हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप देखिए, लास्ट लेक्चर में हम क्या कर रहे थे, स्पेशल केसेस ऑफ सिंप्लेक्स मेथड। उसमें हमने एक केस कर लिया था, टाई फॉर द की रोज, ये वाला हमने किया था। उस प्रॉब्लम को क्या बोलते हैं हम, डीजेनरेसी। अब ये सेकंड स्पेशल केस देखिए, ये क्या है, टाई फॉर द की कॉलम, कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सोल्व करेंगे और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाई फॉर द की कॉलम। अब ये देखिए, जब हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन में मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, सी जे माइनस जेड जे में मैक्सिमम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, जब हमारे पास मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम होती है, बिकॉज इन दैट केस ओ सी जे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। और अगर हमारे पास मिनिमाइजेशन का केस आता है तो हम क्या करते हैं, All CJ minus ZJ should be greater than equal to zero. तो इस वाले केस में हम क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं। बट प्रॉब्लम कब आती है, इस तरह की प्रॉब्लम तो हम सोल्व कर चुके हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम भी, मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम भी। तो प्रॉब्लम मेन कब आती है, जब हमारे पास दो कॉलम के CJ minus ZJ सेम आ जाए और देयर विल बी टाई इन द की कॉलम, तो वट शुड बी डू उस केस में, हम क्या करेंगे। हमें उस केस में ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो प्रॉब्लम, उसमें क्या करते हैं, हम आर्बिट्रेली कोई से को भी उठा लेते हैं, किसी भी कॉलम को हम ले सकते हैं। बस एक में क्या होगा, ज्यादा एक कॉलम को अगर हम सिलेक्ट कर देते हैं आर्बिट्रेली, तो उसमें इटरेशन ज्यादा हो जाती है, मतलब टेबल ज्यादा बन जाती है। अगर हम दूसरे को ले तो उसमें मे बी टेबल कम बने, पर इस चीज का तो हमें पहले पता ही नहीं होता, तो सॉल्यूशन निकालने जब हम उसको सोल्व करते हैं तभी पता चलता है, तो उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वी कैन मेक द सिलेक्शन आर्बिट्रेरी। अब हम थर्ड प्रॉब्लम करेंगे, तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या है हमारे पास, अनबाउंडेड प्रॉब्लम। इस तरह की प्रॉब्लम हमने ग्राफिकल मेथड में भी की थी। अनबाउंडेड प्रॉब्लम कौन सी होती है, जब हमारे पास मिनिमम रेशियो में आइदर वी हैव नेगेटिव वैल्यू और इनफाइनाइट वैल्यू, इन दैट केस वी कैन से द प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो अब चलिए हम अनबाउंडेड प्रॉब्लम का केस करते हैं, दैट इज केस थ्री। देखिए इस केस में हम क्या करेंगे, अनबाउंडेड प्रॉब्लम में वी हैव अनबाउंडेड प्रॉब्लम, वी हैव टू मैक्सिमाइज जेड इज इक्वल टू 5x1 प्लस 4x2 सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, x1 इज लेस देन इक्वल टू 7, देन x1 माइनस x2 इज लेस देन इक्वल टू 8, where x1 and x2 are greater than equal to 0. अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय यूजिंग सरप्लस और स्लैक वेरिएबल। अब ये देखिए, दोनों जो इनइक्वालिटीज है वो लेस देन के फॉर्म में है, तो वी विल यूज स्लैक वेरिएबल्स। सो इंट्रोड्यूस स्लैक वेरिएबल्स इन ऑर्डर to convert inequalities into equation form. तो अब क्या आ जाएगा हमारे पास, maximize z is equal to 5x1 plus 4x2 subject to x1 है हमारे पास यहाँ पर, तो हम क्या add करेंगे, s1 this is equal to 7, then x1 minus x2 हमारे पास क्या है, इसमें ऐड कर देंगे x2, this is 8, तो यहाँ पर एंट्री कर देते हैं 0x2, then plus s1 0x2, this is x2 sorry, तो अब क्या आ जाएगा, this is 0x1, where x1 x2 s1 s2 all are greater than equal to 0, इन्हीं के अकॉर्डिंगली हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वैल्यू चेंज हो जाएगी, बिकॉज दिस ऑल द वेरिएबल्स आर स्लैक वेरिएबल्स, तो एंट्री जो हो जाएगी हमारे 0s1 प्लस 0s2। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में भी किया है, व्हाट वी शुड ऐड इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन वी इंट्रोड्यूस स्लैक और सरप्लस वेरिएबल और आर्टिफिशियल वेरिएबल। अब ये हमारी
जो बेसिक कंस्ट्रेंट्स आ गए कि हमने इनको चेंज कर दिया इन इक्वालिटीज को इक्वेशन फॉर्म में, इसकी हेल्प से हम इनिशियल टेबल बनाते हैं। तो अभी देखिए इनिशियल टेबल में हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहले वेरिएबल बेसिक वेरिएबल, कॉस्ट कोफिशिएंट, सॉल्यूशन वैल्यू, एक्स वन एक्स टू एस वन एंड एस टू। अब इसमें देखिए क्या होगा, हमारा बेसिक वेरिएबल क्या होगा, एस वन और एस टू को हमने ऐड किया है इसमें, तो एस वन एस टू कॉस्ट कोफिशिएंट क्या है, जीरो एंड जीरो। सॉल्यूशन वैल्यूज आर सेवन एंड एट। एक्स वन के देखिए कोफिशिएंट वन एंड वन, एक्स टू जीरो एंड माइनस वन, देन एस वन इज वन जीरो जीरो वन। अब इनके हम कॉस्ट कोफिशिएंट देख लेते हैं, एक्स वन एक्स टू, एक्स वन एस टू के, एक्स वन इज फाइव देन फोर जीरो एंड जीरो। अब हमने क्या निकालना है, जेड जे, व्हाट विल बी द जेड जे, जेड जे इज द समेशन ऑफ कॉस्ट कोफिशिएंट एंड द डिसीजन वेरिएबल्स एक्स जे। तो क्या होगा हमारे यहाँ पर, सेवन मल्टीप्लाई बाय जीरो, एट मल्टीप्लाई बाय जीरो, इट विल बी जीरो, देन ये दोनों हमारे पास जीरो जीरो है तो ऑल एंट्री विल बी जीरो। अब हमने क्या करना है, सी जे माइनस जेड जे निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, फाइव माइनस जीरो इज फाइव, फोर जीरो एंड जीरो। अब हमारे पास प्रॉब्लम देखिए क्या थी, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में क्या होता है, ऑप्टिमम वैल्यू कब आएगी हमारे पास, ऑल एंट्री शुड बी सी जे माइनस जेड जे शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो अगर मतलब या तो जीरो होंगी या नेगेटिव होंगी, तो अगर हमारे पास ये नहीं होता तो मैक्सिमम वैल्यू को हम ले लेते हैं, दैट इज फाइव। तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग में हम वेरिएबल देखेंगे x1, सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस x1। अब हमने एलिमिनेट करने हैं वैल्यू, तो उसके लिए हम क्या निकालेंगे, मिनिमम रेशियो। मिनिमम रेशियो इज व्हाट, दैट इज सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच वी वांट टू इंट्रोड्यूस। 7 डिवाइडेड बाय 1, 8 डिवाइडेड बाय 1 इज 8। अब यहां पर मिनिमम रेशियो देखते हैं, दैट इज दिस वन। तो ये हमारा मिनिमम रेशियो है, इसी की हमने की रो देखनी है, की रो इज एस वन। इसका मतलब जो है एस वन को हमने एलिमिनेट करना है, तो एस वन को हम एलिमिनेट करेंगे, उस जगह पर रिप्लेस क्या करेंगे, एक्स वन को। तो एस वन की एंट्री देख लेते हैं, वन जीरो। तो इसका मतलब क्या, एक्स वन में हमारे पास क्या आना चाहिए, वन एंड जीरो। तो वन तो ऑलरेडी है, दिस इज अवर की एलिमेंट, अब हमने सेकेंड रो को जीरो बनाना है। तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं, आर टू सच दैट आर टू माइनस आर वन। तो देखिए सेकेंड टेबल में बेसिक वेरिएबल्स, कॉस्ट कोफिशिएंट्स, सॉल्यूशन वैल्यूज, एक्स वन एक्स टू एस वन एस टू। तो एस वन इज रिप्लेस्ड बाय एक्स वन, एक्स वन एस टू। तो कॉस्ट कोफिशिएंट क्या थे, एक्स वन के फाइव, दिस इज जीरो। तो हमारे देर इज नो चेंज इन द रो वन बिकॉज वी हैव एंट्री वन। तो क्या हो जाएगा, सेवन वन जीरो वन जीरो। अब हमने सेकेंड रो के लिए क्या करना है, सेकेंड रो में से फर्स्ट रो माइनस करने है, तो एट माइनस सेवन इज वन, दिस इज जीरो, माइनस वन माइनस वन एंड वन। अब हम क्या निकालेंगे, जेड जे, जेड जे क्या हो जाएगा, थर्टी फाइव, दिस इज फाइव, दिस इज जीरो, दिस इज फाइव एंड जीरो। अब हमें निकालना है सी जे माइनस जेड जे, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर हमारे पास कॉस्ट कोफिशिएंट थे फाइव फोर जीरो जीरो, फाइव माइनस फाइव इज जीरो, फोर माइनस फाइव एंड जीरो। अब हमारे देखिए यहाँ पर सी जे माइनस जेड जे हमारे लेस देन इक्वल टू जीरो आते हैं, नहीं नहीं है कोई, मतलब एक एंट्री जो है हमारी पॉजिटिव है। सो इसके अकॉर्डिंगली हम वेरिएबल देखते हैं, दैट इज एक्स टू। तो हमने यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करना है, एक्स टू। तो अब हम क्या कर लेते हैं, एलिमिनेशन के लिए मिनिमम रेशियो निकालेंगे, मिनिमम रेशियो, मिनिमम रेशियो क्या होगा, सॉल्यूशन वैल्यू डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल व्हिच वी वांट टू इंट्रोड्यूस। सॉल्यूशन वैल्यू सेवन डिवाइडेड बाय जीरो, दिस इज इंफिनिटी, देन वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, दिस इज नेगेटिव वैल्यू। अब देखिए यहां पर मिनिमम रेशियो में या तो एंट्री इन्फिनिटी आ रही है या हमारे पास एंट्री नेगेटिव आ रही है।
इस केस में क्या एंट्री चूज की जाए? तो हमारे पास कोई भी ऐसी एंट्री नहीं है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं. सो दिस प्रॉब्लम इज नोन एज अनबाउंडेड प्रॉब्लम. इस प्रॉब्लम से कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा हमारा. तो जब भी हमारे पास मिनिमम रेशियो आइदर वी हैव नेगेटिव वैल्यू और इनफाइनाइट वैल्यू देन द प्रॉब्लम इज नोन एज द अनबाउंडेड प्रॉब्लम. सो स्टूडेंट्स आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू. इस प्रॉब्लम में हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने किया टाई इन द की कॉलम्स एंड टाई. सेकेंड प्रॉब्लम क्या की, अनबाउंडेड प्रॉब्लम. नाउ वी हैव डिस्कस्ड थ्री स्पेशल केसेस, डिजेनरेसी प्रॉब्लम, टाई इन द की कॉलम्स एंड द अनबाउंडेड प्रॉब्लम. आगे वाले वीडियोज में हम और स्पेशल केसेस करेंगे, उसके लिए हमारे चैनल पे बने रहिए और प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर मोर वीडियोज. थैंक यू वेरी मच.